आखिर क्यों देवी दुर्गा के इस मंदिर को माना जाता है शापित? देवी दुर्गा के पावन नवरात्रों का त्योहार चल रहा है। इस दौरान लोग देवी माँ को खुश करने के लिए पूरे 9 दिन उनकी पूजा करते हैं, व्रत रखने के साथ देवी माँ के मंदिर भी जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं, भारत देश में देवी माँ का एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ पर कोई भक्त नहीं जाता है? जी हाँ, मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित देवी माँ का एक ऐसा मंदिर जो शापित है। ऐसे में लोग वहां जाने से डरते या कतराते हैं। तो चलिए आज हम आपको इस मंदिर के शापित होने की कहानी के बारे में बताते हैं। मंदिर में चढ़ती है बलि। माना जाता है कि देवी माँ के इस मंदिर में दर्शन करने जाने पर बलि चढ़ानी पड़ती है। ऐसे में लोग इस मंदिर में जाने के लिए डरते व कतराते हैं। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि यहाँ पर किसी औरत की आत्मा भी भटकती है। देवास के महाराज ने बनवाया था मंदिर। इस मंदिर का निर्माण देवदास के महाराज द्वारा हुआ था। कहा जाता है कि मंदिर को बनवाने के बाद राजा घराने में आए दिन कोई न कोई अशुभ घटना होने का सिलसिला चलने लगा। उसी समय महाराज की पुत्री और उनके एक सेनापति के बीच प्यार पनपने लगा। दोनों का कोई मेल न होने पर महाराजा को इनके विवाह में आपत्ति थी। ऐसे में उन्होंने अपनी राजकुमारी को कैद कर दिया। कैद होने के बाद राजकुमारी की मृत्यु हो गयी। सेनापति ने की थी मंदिर में आत्महत्या। जब राजकुमारी की मौत का पता सेनापति यानी उसके प्रियतम को पता चला तो उसने उसी मंदिर में अपनी जान दे दी। सेनापति के आत्महत्या करने के बाद उनके राजपुरोहित ने महाराजा को मंदिर के अपवित्र होने के बारे में बताया। साथ ही कहा कि अब अपवित्र होने से अब मंदिर में पूजा करने का शुभ फलदायी नहीं होगा। देवी माँ की मूर्ति को उज्जैन में स्थापित किया गया। मंदिर की पवित्रता भंग होने के बाद राजपुरोहित ने वहां से देवी माँ की प्रतिमा को उठाने को कहा। ऐसे में दुर्गा माँ की उस मूर्ति को उज्जैन के गणेश मंदिर में स्थापित कर दिया गया। साथ ही मंदिर को शापित मानकर बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि मंदिर के बंद होने के बाद भी वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है।